If root 2 equals to 1.414, root 5 equals to 2.236 and root 3 equals to 1.732, then in this question we have to find the value of root 72 plus root 48 plus root 125 by 64. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्या पहला क्वेश्चन है रूट 72 प्लस रूट 48. तो हम रूट 72 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रूट 72 को रूट 9 इंटू 8 प्लस रूट 4 इंटू 3. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3. तो इसे 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को हम बाहर ले तो हमें मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू रूट 2, इधर 2 इंटू 2 इंटू रूट 3. तो इससे हमें मिल जाएगा 6√2 प्लस 4√3. अब रूट 2 की वैल्यू क्या है? रूट 2 की वैल्यू है 6 × 1.414 प्लस 4 × 2.23, रूट 3 की वैल्यू है 1.732. तो 4 × 1.732 इन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? 8.484 प्लस 6.928. अब इसे ऐड कर देते हैं तो ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम इसे ऐड करें तो 8.484 प्लस 6.928. तो 8 प्लस 4 12, 9 प्लस 2 11, 5 प्लस 9 14 और 9 प्लस 6 15. तो ये हो जाएगा 15.412. ये है हमारा सल्यूशन. अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? अंडर रूट 125 बाई 64. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 125 बाई 64 को 5 स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 64, मतलब 8 स्क्वायर. तो ये कितना होता है? ये होता है 5 को हम बाहर लें और 8, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 5. तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या? अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.236. तो 2.236, अब हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1.118. वापस 2 से डिवाइड करें तो 2, ये हो जाएगा 0.559. तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है 5 × 0.559 अपॉन 2. तो ये सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 0.559 इंटू 5, तो 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 25 प्लस 9, 29, 27, तो 2.795. तो ये हो जाएगा 2.795/2. अब डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1.3975. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन.